नमस्कार, क्रिएटिविटी विद राधा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस तरह के सोफे कवर ज्यादातर सभी के घरों में होते हैं। ये जल्दी फटते भी नहीं हैं। इनका फैब्रिक इतना अच्छा होता है, इतना मजबूत होता है कि ये ज्यों के त्यों बने रहते हैं। पर इनमें थोड़ा थोड़ा कभी कभी रेशे से निकल आते हैं, गांठें सी पड़ जाती हैं, बस वही एक कमी हो जाती है। पर जल्दी खराब नहीं होते हैं, पर इन्हें हम यूज करते करते बोर हो जाते हैं। इन्हें देखते देखते हमारा मन भर जाता है, तब हम इन्हें चेंज कर लेते हैं। पर इन पुराने सोफे कवर को रीयूज करके हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जिन्हें कि हम नया नया बनाएंगे तो वो चीजें हमें अच्छी लगेंगी और हमारे यूज की होंगी। तो चलिए देखिए हम क्या क्या बनाते हैं। इस सोफे कवर को रीयूज करने का मेरे पास बहुत सारे आइडिया हैं, पर मेरे पास जो बड़े वाले सोफे कवर के दोनों पार्ट बचे हैं, छोटे वालों को मैंने यूज कर लिया है, तो इन्हीं दोनों में से मुझे बनाने हैं। तो देखिए मैं क्या क्या बना सकती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इनके जो ये लाइनिंग बनी हुई है ना, इसी लाइन पर से मैं कट कर ले रही हूँ, तो ये सभी पार्ट पार्ट में हो जाएंगे। इनमें डिजाइन तो पहले से ही बनी है, केवल हमें उन डिजाइन पर से ही कट करना है। ये देखिए मैंने सभी को कट करके अलग कर लिया है। अब मैंने एक पीस को इधर बिछा दिया है और दूसरी पीस को इसके जस्ट सामने इस तरह से रखूंगी, ये देखिए, और इस पर मैं सीधी सिलाई लगा दूंगी। इसको सीधी सिलाई लगाने से दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे। तो इसको हम टेबल रनर के रूप में, बेड रनर के रूप में, या फिर हम इसका डोर मैट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही अच्छा रीयूज हो जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, जो इसकी पुरानी लेस वगैरह थी निकाल दिया, इसको अच्छे से फिनिश कर लिया है। और ये मेरे पास एक पुरानी लेस पड़ी हुई है, ये रजाई की लेस है किनारों पर जो लगी रहती है ना, तो उसको मैं चारों तरफ से लगा लूँगी। ये देखिए मैंने चारों तरफ से लेस ज्वाइन कर लिया है। तो लेस लगाने के बाद ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। पुरानी लेस का यूज भी हो गया है और इसकी सुंदरता भी बढ़ गई। अब इसको हम उल्टी तरफ से पलट लेंगे और जो ये रफ टप दिख रहा है, सिलाइयाँ दिख रही है ना, तो इसको हम कवर करने के लिए इसमें एक लाइनिंग लगा देंगे। इसके लिए भी मेरे पास ये पुराना बेडशीट का कपड़ा पड़ा हुआ है, तो इसे मैं इस तरह से बराबर रखते हुए चारों तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगा दूंगी। इससे क्या होगा, ये थोड़ा मोटा हो जाएगा और मजबूत भी। अब इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं। मैंने इसके चारों तरफ सिलाई लगाकर नीचे लाइनिंग भी ज्वाइन कर लिया है। इससे ये रनर काफी मोटा हो गया है, तो इसे हम डोर मैट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, टेबल रनर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ये मजबूत और सुंदर दोनों हो गया है। तो इस तरह से हम सोफे को रीयूज करके टेबल रनर या डोर मैट भी बना सकते हैं। अब हम सोफे कवर का दूसरा रीयूज देखते हैं। तो हमने एक पार्ट नीचे इस तरह से फैला लिया और दूसरा पार्ट इसके ऊपर रखा। दोनों पार्ट एक जैसे हैं। अब हम इसका बैग बनाएंगे। तो बैग बहुत ही आसान मेथड से बनाएंगे। इसकी जो लेसेज हैं इधर उधर रफ टफ हुई हैं, इसको कट कर लेंगे और ये जो गोलाई है ना, इसको हम इस तरह से कट करके सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमने कट कर लिया है। अब ये पीस सीधी हो गई है और इन किनारों पर भी जो ये उधड़ी सी लेसेज हैं, रफ टफ हैं, इनको भी हम कट कर देते हैं। ये देखिए इसे भी हमने कट कर दिया और सेम तरीके से इधर भी हम कट कर देंगे। तो ये हमारे पास स्क्वायर पीस तैयार है। अब हम पलट कर ये जो लेस है इसे भी कट कर देते हैं, क्योंकि लेस बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, तो इसे कट कर देना ही ठीक है। अब हमें बैग को हैंगिंग करने के लिए स्ट्रिप लगानी होगी। स्ट्रिप हम बनाकर भी लगा सकते हैं, पर मेरे पास ये ब्लैक कलर की स्ट्रिप पड़ी हुई है, तो मैं इसे यूज कर लूँगी। तो इसे इस तरह से सेंटर में रखकर हम इसे सिलाई कर देंगे इन दोनों जगह पर। स्ट्रिप लगाने में हमें ये ध्यान देना है कि बिल्कुल सेंटर में सही जगह पर लगे और दोनों किनारों पर बराबर दूरी पर जगह छूटे। और सेम तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट में भी स्ट्रिप लगा लेंगे। बिल्कुल देखिए सेंटर में रखा है मैंने और दोनों किनारों पर हम बराबर ही जगह छोड़ेंगे। बिल्कुल सेंटर में बराबर से दोनों पार्ट में लगना चाहिए। ये देखिए मैंने बैग में स्ट्रिप लगा ली है और जहाँ पर स्ट्रिप लगाई है वहाँ पर लगभग आधा इंच छोड़ा है ताकि हम इसमें जिप लगा सकें। और जिप को हम इस तरह से रख कर सीधी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैंने सीधी सिलाई लगा दी है
और उसके जड़ में मैंने एक प्रेस सिलाई भी लगा दी जिससे जीप अच्छे से जम गई है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले पार्ट में इस तरह से जीप को रखेंगे और सीधी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इसने भी सीधी सिलाई लगा दी। सीधी सिलाई लगाने के बाद जीप के जड़ में प्रेस सिलाई लगा दी, इससे बहुत अच्छी तरह से जीप सेट हो जाती है। अब हम बैक को इस तरह से रखेंगे, सीधी तरफ से ही हम पतली सी सिलाई तीनों तरफ लगा देंगे। ये देखिए, सिलाई मैंने लगा दी है। मैंने पहले सीधी तरफ से ही पतली सी सिलाई तीनों तरफ से लगाई है। अब हम बैक को उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद इनके कोनों को हमने अच्छे से निकाल दिया है, किनारों को सही कर दिया है। अब हम तीनों तरफ फिर से आधा इंच की दूरी पर इस तरह से आधा इंच की दूरी लेते हुए तीनों तरफ सीधी सिलाई लगा देंगे। क्या होगा कि किनारों पर जो रफ टफ वाला हिस्सा, कटिंग वाला हिस्सा होता है ना, वो दब जाएगा, तो हमें पाइपिंग नहीं लगानी पड़ेगी या कोई लाइनिंग नहीं लगानी पड़ेगी। ये देखिए, हमने उल्टी तरफ से भी तीनों तरफ सिलाई लगा ली है और ये देखिए बिल्कुल भी रफ टफ नहीं है, हमें पाइपिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ से ढाई इंच इस तरफ से लेंगे और ढाई इंच नीचे की तरफ इस तरफ से ले लेंगे। अब हम चौकोर सा निशान लगा लेंगे। ये देखिए, इस कॉर्नर पर हमने चौकोर सा निशान ढाई इंच इधर ढाई इंच उधर से लेते हुए लगा लिया है। सेम तरीके से हम दूसरे कॉर्नर पर भी निशान लगाएंगे, ढाई इंच उस तरफ से लिया हमने, ढाई इंच नीचे तरफ से लिया और चौकोर सा निशान लगा लिया। इस निशान को हम कट कर देंगे। मैंने इस तरह से बनाना और भी बैग में बताया है, यदि आप चाहें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में लिंक डाल दूंगी तो आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर को इस तरह से पकड़ेंगे। ये देखिए, बिल्कुल बराबर करते हुए सिलाई पर सिलाई रखते हुए ऐसे हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है दोनों कॉर्नर पर। इतना चौड़ा सा लगभग 5 इंच का ये पेंदा जैसा बन गया है, इससे काफ़ी स्पेस हो जाता है बैग में और बैग का लुक भी अच्छा हो जाता है। और ये देखिए, हमने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद ये कितना बढ़िया सा सोफे कवर से बैग बनकर तैयार हो जाता है। नीचे बढ़िया सी चौड़ी सी 5 इंच की जगह भी हो गई और हमारा कंफर्टेबल बैग बनकर रेडी हो गया है। इस तरह से आप भी बना सकते हैं यदि आपके पास रिजेक्ट सोफा कवर पड़ा है तो। अब हम सोफे कवर का तीसरा रीयूज करते हैं। ये देखिए, तीसरा पार्ट हमने इस तरह से फैला लिया, इसके ऊपर दूसरा वाला भी रख लिया है। अब इसका हम क्या बनाएंगे, इसमें जो हम टेबल मेज पर रखने के लिए, कप रखने के लिए छोटे छोटे से स्क्वायर प्लेट्स बना सकते हैं या राउंड में भी बना सकते हैं और बीच में रखने के लिए बड़ा बना सकते हैं, तो मुझे कुछ ऐसा ही आइडिया आ रहा है। तो मैं इस तरह से ये जहाँ फ्लावर बना हुआ है चौकोर पीस कट कर लूँगी। देखिए, इस तरह से मैंने स्केल रख कर लाइन बना कर इसे कट कर रही हूँ। इसे मैं सेंटर टेबल पर रखने के लिए बना रही हूँ, तो बीच में रखने के लिए बड़ा स्क्वायर और 6 स्क्वायर छोटे छोटे कप्स रखने के लिए बनाऊंगी, तो वो पीसेस मैं कट कर रही हूँ। इसकी साइज अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी रख सकते हैं, यदि आप चाहें तो इसको राउंड बना सकते हैं। तो पहले हम निशान लगाकर इन पीसेस को अलग कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे 6 छोटे स्क्वायर और 1 बड़ा स्क्वायर रेडी हो गया है।
अब इसी साइज से मैंने बकरम कट कर लिया है। ये देखिए बड़े वाले पीसेस में मैं लगा रही हूँ। इसके ऊपर लेस को इस तरह से रखकर एक बकरम और एक कपड़ा और लेस लगाकर सिल दूंगी। ठीक इसी तरह से छोटे वाले स्क्वायर को भी सिलाई करूंगी। सारे स्क्वायर को बकरम, कपड़ा और लेसेस लगाकर इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े के ऊपर एक और इसी साइज का कपड़ा जो कि मैंने कट किया है, इसको इस तरह से रखकर चारों तरफ से मैं सिलाई लगा दूंगी। और थोड़ी सी सिलाई मैं नहीं लगाऊंगी, थोड़ी सी जगह यहाँ छोड़ दूंगी ताकि यहाँ से हम इस कपड़े को सीधा कर सकें। तो चलिए इसी तरह से हम छोटे वाले पीसेस को भी करेंगे। इसमें भी मैं छोटा वाला जो कपड़ा है इसको ऊपर से इस तरह से रख कर चारों तरफ से सिलाई लगाऊंगी और थोड़ी सी जगह मैं छोड़ दूंगी ताकि यहाँ से हम इस कपड़े को सीधा कर सकें। ठीक इसी तरह से मैं इसकी 5 पीस और तैयार करूंगी। 6 छोटी पीसेज होंगे और एक बड़ी। तो इससे हम चाहे डाइनिंग टेबल पर यूज करें या सेंटर टेबल पर। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, बड़े वाले स्क्वायर को चारों तरफ से सिलाई लगा ली है और थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। अब यहीं से हम इसे सीधा कर लेते हैं। कितना बढ़िया सा स्क्वायर पीस बनकर रेडी हो गया है। इसे हम सेंटर टेबल पर रख सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे 6 पीस मैंने तैयार किए हैं और एक बीच में बड़ा। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं, बहुत ही यूजफुल चीज़ें हैं। तो वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और इसी तरह यूजफुल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके अपनों को शेयर करिए। थैंक यू।